हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं आज सुबह हुए स्मैकडाउन के कुछ गुड और बैड पॉइंट्स के बारे में। इस बार कंपनी वालों ने स्मैकडाउन के एपिसोड से रॉयल रंबल के लिए कुछ बड़े बदलाव भी किए और हर एक इवेंट के कुछ गुड और बैड पॉइंट्स तो होते ही हैं। तो देर किस बात की, चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं सभी गुड और बैड पॉइंट्स के बारे में। चलिए पहले बैड पॉइंट्स की ही चर्चा करते हैं। बैड पॉइंट नंबर 1, एलाइस का खराब उपयोग। रिटर्न के बाद एलाइस रिंग में गाना गाते और बजाते हुए ही नजर आते हैं। इस बार के स्मैकडाउन में भी वह यही काम कर रहे थे, पर तभी सिंस के नाकामुरा, सिजेरो और सेमी जैन वहां पर आ जाते हैं। यहां पर उन्होंने जबरदस्त प्रोमो दिया। इसके बाद एलाइस ने गाना गाते हुए सेमी जैन का मजाक बना डाला, जिसके बाद सेमी जैन और उनके आदमियों ने रिंग में आकर एलाइस को ढूंढ दिया। पर एन वक्त पर ब्रॉन स्ट्रोमन वहां आ जाते हैं और वह एरो नाकामुरा को मारते हुए रिंग के बाहर फेंक देते हैं। स्टोमन ने समय पर आकर एलाइस को बचा लिया। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में एलाइस हमें लड़ते हुए नजर आए। बैड पॉइंट नंबर 2, सेमस का स्मैकडाउन में नजर नहीं आना। जब से सेमस का रिटर्न हुआ था, तब से कंपनी वालों ने काफी बड़ा चढ़ाकर बताया था कि सेमस का एक नया रूप में रिटर्न हो गया है। सभी फैंस भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि हर एपिसोड में सेमस हमें नजर आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस चीज से यह साफ पता लगता है कि कंपनी वालों के पास सेमस को लेकर कोई अच्छी स्टोरी लाइन अभी तक नहीं है। बैड पॉइंट नंबर 3, एलेक्सा ब्लिस का खराब उपयोग। WWE का पिछला कुछ समय देखा जाए तो कंपनी वाले एलेक्सा ब्लिस का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब एलेक्सा ब्लिस ने अपनी वापसी की थी, तो तभी से फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि एलेक्सा ब्लिस को अच्छी स्टोरी लाइन में रखा जाएगा, पर कंपनी वाले उन्हें खराब तरीके से बुक कर रहे हैं और फैंस को यह चीज पसंद नहीं आ रही होगी। स्मैकडाउन के एपिसोड में एलेक्सा ब्लिस को ओटिस और मैंडी की स्टोरी लाइन में उपयोग किया जा रहा है। इस बार के स्मैकडाउन में एलेक्सा ब्लिस मैच जीत गई थी और ओटिस का मुंह देखने वाला बनता था। फिर भी पूर्व चैंपियन को इस स्टोरी लाइन से हटाकर दूसरी अच्छी स्टोरी लाइन में भेजना चाहिए। बैड पॉइंट नंबर 4, साशा बैंक्स का एक और मैच कैंसिल करना। कंपनी वालों ने इस बार भी द बॉस का मैच कैंसिल कर दिया। पिछले दो हफ्तों से देखा जाए तो WWE वाले साशा बैंक्स और लेसी वांस के बीच मैच तो तय कर रहे हैं, लेकिन यह मैच हर बार कैंसिल कर दिया जाता है। इस बार के स्मैकडाउन के एपिसोड में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बैक स्टेज की लड़ाई की वजह से मैच रद्द हो गया और हमें मैच देखने को मिला लेसी वांस बनाम बेली के बीच। चलिए बैड पॉइंट्स बहुत सारे हो गए, कुछ गुड पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। गुड पॉइंट नंबर 1, मेन इवेंट में रोमन रीन्स का मैच। इस बार हमें मेन इवेंट में रोमन रीन्स बनाम रॉबर्ट रूट के बीच टेबल्स मैच देखने को मिला था। कंपनी वालों ने इस बड़े मैच को अच्छी तरीके से बुक किया और किंग कॉर्बिन के इंटरफेरेंस की वजह से द उसोज का आना शानदार रह गया। इसके साथ ही रोमन रीन्स की जीत की वजह से सभी फैंस बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अंत में रोमन रीन्स ने टेबल के ऊपर जबरदस्त स्पियर लगाया था रॉबर्ट रूट को और मैच जीत डाला था। गुड पॉइंट नंबर 2, जॉन मॉरिसन का धमाकेदार मैच। इस बार जॉन मॉरिसन ने WWE में 8 साल बाद कोई मैच लड़ा था। रिंग के अंदर न्यू डे के दोनों मेंबर पहले ही आ गए थे। रिंग के बाहर कोफी किंगस्टन ने मिज को स्टील स्टेप्स पर धक्का दे दिया था, उधर मॉरिसन ने टॉप रोप से हाई फ्लाइंग मूव कोफी पर लगा दिया। बाद में जॉन मॉरिसन ने अपना फिनिशिंग मूव बिगी को मार दिया और मैच जीत डाला। मॉरिसन के इतने लंबे समय बाद मैच लड़कर जीतना सभी फैंस को पसंद आया। जॉन मॉरिसन पर हम विशेष वीडियो भी बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखिए। गुड पॉइंट नंबर 3, केन का रिटर्न और जॉन मॉक्सली का मजाक। इस स्मैकडाउन में हमें केन का रिटर्न देखने को मिला। हमने आपको पहले ही बताया था कि केन का रिटर्न होने वाला है। साथ ही पिछले हफ्ते बताया गया था कि रैम्बलिंग रैबिट को ब्रे वायट ने मार डाला है, पर इस हफ्ते के फायरफ्लाई फन हाउस के सेगमेंट में रैम्बलिंग रैबिट का इलाज करते हुए नजर आए थे ब्रे वायट। आपने देखा होगा जॉन मॉक्सली ने AEW के एपिसोड में अपनी आंख पर पट्टी बांधी थी। इस बार WWE वालों ने जॉन मॉक्सली को ताना मारते हुए रैम्बलिंग रैबिट की आंख में भी उसी तरीके से पट्टी बांधी हुई थी। साथ ही इस बार स्मैकडाउन के एपिसोड में डेनियल ब्रायन ने फिंड के बाल भी नोच डाले थे। इस वजह से यह चीज स्मैकडाउन की सबसे बढ़िया चीज रही। तो ये थे दोस्तों स्मैकडाउन के कुछ गुड और बैड पॉइंट्स। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक और बेहद ही खास एपिसोड में इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।